Hello, welcome to my channel Mathsomatic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 11 algebra exercise 11.4 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 11.4. पहला question देखिए क्या कहता है. Answer the following. A. Take Sarita's present age to be y years. सरिता का जो प्रेजेंट एज है उसको y years, जो कि एक वेरिएबल है y, वो लेने के लिए कह रहा है. फिर पूछता है what will be her age 5 years from now. देखिए कैसे होगा. एक्सरसाइज 11.4, पहला क्वेश्चन. लेट सरिताज प्रेजेंट एज बी y years. देयरफॉर नंबर वन जो कहता है सरिताज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी जितना एज है वाई ईयर्स, तो 5 years आज से कितना होगा. 5 years फ्रॉम नाउ हो जाएगा वाई प्लस 5 years. नंबर टू ये कहता है सरिताज एज 3 years बैक, यानी कि आज जितना एज है सरिता का उससे 3 years बैक, यानी कि 3 साल पहले सरिता का एज कितना होगा. 3 साल पहले के लिए जो करंट एज है जो कि वाई, उसमें माइनस 3 कर देंगे, ये हो जाएगा वाई माइनस 3 ईयर्स. नंबर 3 ये कहता है सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. सो सरिताज ग्रैंडफादर्स एज इज 6 वाई ईयर्स, यानी कि सरिता का जो ग्रैंडफादर है उनका एज जो है वो 6 times है. किससे, हर एज, यानी कि सरिता का जितना एज होगा उससे 6 times, यानी कि 6 into क्या वाई, तो 6 into y क्या होता है 6y, इसलिए ग्रैंडफादर का एज है 6y years. नंबर 4 सरिताज ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन सरिताज ग्रैंडफादर, यानी कि सरिता का जो ग्रैंडफादर थे उनसे 2 years यंगर है. कौन, सरिताज ग्रैंडमदर. तो यहां से हम लोगों को पता चला है कि सरिताज ग्रैंडफादर्स एज इज 6y years, तो उससे 2 years यंगर, यानी कि 2 साल छोटी, तो 6y उसमें 2 साल छोटा, यानी कि -2 years. ये हो गया मेरा सरिताज ग्रैंडमदर का एज. नंबर 5 देखिए सरिताज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिताज एज, यानी कि सरिताज का जो फादर है उनका जो एज है वो कितना है 5 years मोर देन 3 times सरिताज एज. तो 3 times सरिता का एज होगा उसमें प्लस 5 करेंगे, क्योंकि 5 मोर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सरिता का एज है वाई ईयर्स, उसमें से क्या किए हम लोग 3 times है, इसलिए 3y हो गया ये 3y years. उसमें क्या किया फिर 5 years more than 3 times, तो 3 times जो था मेरा 3y, उसमें 5 years more, यानी कि प्लस 5 कर दिए, तो ये हो गया मेरा 3y प्लस 5 years. ओके, ये हो गया मेरा सरिताज फादर एज. अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है. बी कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? यानी कि एक rectangular hall है, ठीक है, एक इस तरीके से एक हम लोग rectangular hall बना लेंगे. यहाँ पे कहता है यह मेरा breadth और ये है मेरा length, ओके, इसे length और इसे breadth कहते हैं हम लोग. यहाँ पे कहता है कि the length of ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times द ब्रेथ. तो ये अगर ये ब्रेथ है तो 3 times ब्रेथ कितना होता है 3b, तो 3 times ब्रेथ हो गया 3b. इसमें क्या होगा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times, तो 3 times 3b है, तो इसमें 4 meter लेस, यानी कि -4. ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लेंथ of this rectangular hall. अब देखिए let the breadth of the rectangular hall be b meters, तो rectangular hall का जो breadth है वो हो गया मेरा b meters. length of the rectangular hall is 4 meter less than
थ्री टाइम्स द ब्रेड ऑफ द हॉल. तो लेंथ जो था वो मेरा थ्री टाइम्स ब्रेड हो गया माइनस फोर मीटर. ओके, नंबर सी देखिए. नंबर सी कहता है ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट एच सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका एक हाइट है जो कि है एच सेंटीमीटर. इट्स लेंथ इज फाइव टाइम्स द हाइट एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट. तो अगर इसका हाइट यहाँ पे मेरा एच है तो ये कहता है कि लेंथ इज फाइव टाइम्स द हाइट. तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा फाइव टाइम्स द हाइट, यानी कि फाइव इंटू एच, यानी कि फाइव एच. ओके, और ये कहता है कि इट्स लेंथ इज फाइव टाइम्स द हाइट एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. तो मेरा ब्रेड्थ क्या होगा? ब्रेड्थ हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर लेस, यानी कि माइनस 10 होगा. किससे? 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. तो लेंथ कितना है? 5h. तो मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा 5h माइनस 10. देखिए नंबर सी देखिए. द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स भी 8 सेंटीमीटर. ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 5 टाइम्स द हाइट. तो जो बॉक्स का लेंथ है वो 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स है. तो लेंथ क्या हो गया? 5h. ओके, यानी कि 5 इंटू एच. इसमें अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 टाइम्स एच करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 5h. देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. तो जो लेंथ आया है उससे मेरा 10 सेंटीमीटर लेस होगा, यानी कि 5h में हम लोग माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 5h माइनस 10 सेंटीमीटर. नंबर डी देखिए. नंबर डी कहता है मीना बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप. मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज एट 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड. वेयर आर बीना एंड मीना? द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड. एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस. तो देखिए कैसे होगा. यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ लिया है लेट मीना इज एट स्टेप एस. मीना जो है वो स्टेप एस में है. देयरफॉर बीना इज 8 स्टेप्स अहेड ऑफ मीना. यानी कि अगर मीना स्टेप एस में है और बीना 8 स्टेप्स अहेड. अहेड मतलब आगे. अहेड या फिर आगे को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो कितना स्टेप्स अहेड है? 8 स्टेप्स. तो मीना के साथ मेरा एस हो गया और इसके साथ प्लस 8, यानी कि एस प्लस 8. देयरफॉर बीना इज 8 स्टेप्स अहेड ऑफ मीना को लिख सकते हैं हम लोग एस प्लस 8. लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड ऑफ मीना. मीना अगर एस है तो लीना कहाँ पे है? लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड ऑफ मीना, यानी कि एस माइनस 7. बिहाइंड के लिए माइनस हो गया, अहेड के लिए प्लस हो गया. ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 4s माइनस 10. यहाँ पे देखिए क्या लिखता है. द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड. तो मीना को हम लोगों ने पकड़ लिया था s, तो s के साथ क्या हुआ? 4 टाइम्स ऑफ मीना, यानी कि 4 इंटू एस. ये हो गया मेरा 4 टाइम्स ऑफ मीना, यानी कि 4 इंटू एस. इसके साथ 10 लेस यानी कि माइनस 10. ये हो गया मेरा 4s माइनस 10. नंबर ई देखिए. ये कहता है ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर. इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर. आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिसपुर टू बीसपुर. एक्सप्रेस इट यूजिंग v. यहाँ पे v एक वेरिएबल है, उसका यूज करके हमको इसको एक्सप्रेस करना है. देखिए कैसे होगा. लेट ए बस ट्रेवल्स एट वी किलोमीटर पर आवर. ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बस जो है वो ट्रेवल कर रहा है वी किलोमीटर पर आवर से. आफ्टर द बस ट्रेवल्स 5 आवर्स, यानी कि अगर बस 5 आवर्स ट्रेवल कर लेता है तो मेरा
वो हो जाएगा 5 इंटू वी। बीसपुर स्टिल 20 किलोमीटर अवे, यानी कि 5 आवर्स ट्रैवल करने के बाद बीसपुर फिर भी 20 किलोमीटर अवे है, यानी कि बस को और 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा बीसपुर पहुंचने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ए बस ट्रैवल्स एट वी किलोमीटर पर आवर। बस अगर 5 आवर्स ट्रैवल कर लिया तो वी का हो गया 5V, यानी कि 5 इंटू वी 5V। उसमें अभी हम लोग बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, यानी कि और 20 किलोमीटर जाना होगा, यानी कि 5V प्लस 20, और 20 किलोमीटर जाएंगे तब जाके बीसपुर आएगा, इसलिए 5V प्लस 20 किए। तो ये हो गया मेरा 5V प्लस 20 किलोमीटर। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इन टू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नंबर ए ये है अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3P। इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। देखिए कैसे होगा, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ए बुक जो है वो कॉस्ट कर रहा है कितना, 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। कैसे हुआ ये, अगर नोटबुक का दाम पी है रुपीज पी, तो बुक का दाम कितना हुआ 3P, यानी कि पी में अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3P। इसलिए क्या हुआ, जो मेरा बुक है वो मेरा क्या है 3P है, और नोटबुक मेरा पी है, यानी कि बुक जो है वो नोटबुक से 3 times महंगा है। अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। एक था मेरा पी और एक था ये हो गया मेरा 3P, ये हो गया मेरा 3 times, इसलिए अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। अब देखेंगे नंबर बी। नंबर बी कहता है टोनीज पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन द बॉक्स। तो टेबल में मेरा क्यू मार्बल्स था और मेरा बॉक्स में क्या हो गया 8 क्यू मार्बल्स, यानी कि टेबल में मेरा जितना मार्बल था बॉक्स में मेरा उसका 8 times मार्बल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times द मार्बल्स पुट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल में मेरा एक मार्बल था तो बॉक्स में मेरा कितना हो गया 8 times द मार्बल्स, इसलिए ये मेरा क्यू मार्बल था टेबल में तो ये हो गया 8Q। इसलिए Q कहाँ था, Q था मेरा टेबल में, और 8Q कहाँ हो गया, 8Q हो गया मेरा बॉक्स में, इसलिए बॉक्स का जो होगा वो 8 times होगा टेबल से। इसलिए लिखते हैं इसको टोनीज बॉक्स कंटेंट्स 8 times द मार्बल्स पुट ऑन द टेबल। नंबर सी देखिए, द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल में 20n स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्कूल में मेरा 20 into n, यानी कि 20 times ऑफ n स्टूडेंट्स हैं और क्लास में n स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हो गया, स्कूल में 20 times स्टूडेंट्स हैं जितने मेरे क्लास में हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर सी, द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, यानी कि जितना स्टूडेंट स्कूल में है वो 20 times है स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। नंबर डी देखिए, ये कहता है जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड। जग्गू जो है वो जेड ईयर्स ओल्ड है। हिज अंकल इज 4Z years old एंड हिज आंट इज 4Z-3 years old, यानी कि जग्गू का उम्र अगर जेड ईयर्स है तो जड्डू के अंकल का उम्र 4Z years है और जड्डू की आंटी का उम्र जो है वो है 4Z-3 years। तो जग्गूज अंकल इज 4 times द एज ऑफ जग्गू, क्योंकि जग्गू का एज जितना था उससे अंकल का एज 4 times था। जग्गू जेड था तो अंकल का 4Z था, इसलिए जग्गूज अंकल इज 4 times द एज ऑफ जग्गू। अब जग्गूज आंट इज 3 years लेस देन 4 times द एज ऑफ जग्गू, यानी कि जग्गू की जो आंट थी वो अंकल से 3 years यंग थी। देखिए 4Z-3, इसलिए अंकल से -3 यानी कि यंगर 4Z-3, इसलिए इसको लिख सकते हैं कि जग्गूज आंट इज 3 years less than 4 times द एज ऑफ जग्गू। जग्गू
का एज से 4 times थे उसको अंकल, और उसकी अंकल से 3 years लेस थी उसकी आंट। नंबर ई देखिए, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 dots, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे क्या कहता है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर आर रोज, यानी कि यहाँ पे आर नंबर ऑफ रोज है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारा रोज है, इसको हम लोग क्या करिए पकड़ लिए आर, देयर आर आर नंबर ऑफ रोज, तो ईच रो कंटेन्स 5 dots, तो हर रो में ये जो रो है जितना सारा, हर रो में 1, 2, 3, 4, 5 5 dots है, तो आर रोज में कितना डॉट होगा, तो आर इंटू 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन ऑल द रोज, ये हो जाएगा मेरा 5R, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times, क्योंकि ये था मेरा 5R, 5R मतलब क्या हुआ 5 times द नंबर ऑफ रोज। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 कहता है गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर्स, मुन्नू का जो एज है वो दिया हुआ है जो कि है एक्स ईयर्स, कैन यू गेस वट एक्स माइनस टू में शो, यानी कि एक्स माइनस टू क्या होगा वो पूछ रहा है, लेट मुन्नूज एज भी एक्स ईयर्स, ये हमको दिया हुआ है कि मुन्नू का जो एज है वो है एक्स ईयर्स, तो एक्स माइनस टू क्या होता है, एक्स में माइनस टू यानी कि मुन्नू का जो एज है उसमें माइनस टू, यानी कि समवन हु इज 2 years यंगर देन मुन्नू, यानी कि कोई भी ऐसा हो सकता है जो मुन्नू से 2 years यंगर हो, उसको हम लोग माइनस टू यानी कि एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर मतलब मुन्नू से 4 years बड़ा है, सम वन हु इज 4 years एल्डर देन मुन्नू, 3x plus 7 यानी कि मुन्नू से 3 times बड़ा है और प्लस 7 years ही बड़ा है, यानी कि सम वन हु इज 7 years मोर देन 3 times दैट ऑफ मुन्नूज एज, यानी कि मुन्नू का जो एज है उसका 3 times होगा और उससे 7 years और भी बड़ा होगा, इसलिए लिखते हैं इसको सम वन हु इज 7 years मोर यानी कि प्लस 7 देन 3 times दैट ऑफ मुन्नूज एज। ओके, नंबर बी देखिए, ये कहता है गिवन साराज एज टुडे बी वाई ईयर्स, तो सारा का जो एज है वो वाई ईयर्स दिया हुआ है, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट, देखिए कैसे होगा, ये दिया हुआ है मेरे पास सारा एज इज वाई ईयर्स, सारा का जो एज है वो है वाई ईयर्स, देयरफॉर वाई प्लस 7 यानी कि सारा से कोई 7 years बड़ा है, साराज एज 7 years लेटर, यानी कि y प्लस 7 का मतलब हो गया सारा का एज 7 years बाद, आज जितना एज है उसका y years, उसका 7 years के बाद सारा का एज होगा y प्लस 7 years, y माइनस 3 यानी कि साराज एज 3 years अगो, आज जितना एज है सारा का उससे 3 साल पहले सारा का एज कितना था y माइनस 3, y प्लस 4 वन बाई टू यानी कि साराज एज 4.5 years लेटर, यानी कि आज जितना एज है सारा का उससे 4.5 साल बाद यानी कि 4.5 years बाद सारा का एज क्या होगा, साराज एज इज 4 1/2 years लेटर, ये हो जाता है y प्लस 4 1/2, y माइनस 2 1/2 यानी कि सारा का जो प्रेजेंट एज है उससे हम लोग 2 1/2 यानी कि 2.5 years को माइनस कर देंगे, यानी कि साराज एज 2.5 years अगो, माइनस मतलब अगो, हमेशा ध्यान रखिए जहां भी आपका प्लस आएगा उसमें हो जाएगा आपका लेटर यानी कि बाद में, और जहां माइनस आएगा वहां पे हो जाएगा अगो यानी कि पहले। नंबर सी देखिए, ये कहता है गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, वट में 2n शो, वट में n बाई 2 शो, मतलब यहाँ पे क्लास में n स्टूडेंट्स हैं जो कि फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो 2n मतलब क्या है और n बाई 2 मतलब क्या है, देखिए नंबर सी,
लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक्स फुटबॉल बी एन, ये दिया हुआ है। 2n मतलब डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल इन द क्लास। 2n मतलब डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर फुटबॉल को लाइक करता है तो 2n मतलब हो जाएगा डबल द नंबर, यानी कि n से 2 को मल्टीप्लाई किए यानी कि डबल किए हैं, इसलिए हो गया डबल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल इन द क्लास। और वहीं पे n by 2 मतलब n का हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं हाफ से, तो इसलिए n by 2 यानी कि हाफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल इन द क्लास, यानी कि ये हो गया मेरा 2n यानी कि डबल और n by 2 यानी कि हाफ। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए ये है मेरा 2 into n, ये हो गया 2n यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं n को, इसलिए हो गया है डबल। और ये है मेरा n into 1 by 2 यानी कि n को हम लोगों ने 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया है जो कि होता है मेरा हाफ, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग हाफ द नंबर। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.